गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंपल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 हम देखेंगे। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ के समझेंगे रीड करके। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फर्स्ट का कह रहा है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है ऐड 4 टू 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। किसी नंबर के 8 टाइम्स में हम अगर 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाती है नंबर 60। देखिए इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लेट द नंबर इज एक्स, पहले हम नंबर कोई मान लेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एल एम एन जो भी मानना हो, तो हमने एक्स माना है। लेट द नंबर इज एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नंबर के 8 टाइम्स में नंबर हमने एक्स माना, एक्स के 8 टाइम में 4 ऐड करने पर नंबर क्या हो जाती है 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 8x 4 को उधर हमने भेज दिया तो 60 माइनस 4 हो गया, माइनस किया तो 56 हो गया। 8x 8 को यहाँ इंटू में इधर आया डिवाइड में हो गया, 8 बन जाए 8 से बन जाए 56। एक्स की वैल्यू हमारी क्या, नंबर हमारी क्या आ गई 7। तो सेम नंबर हमारी क्या हो गई एक्स इक्वल टू 7, हमने नंबर एक्स माना था। सिंपल सा है वर्ड समझना है वर्ड आपको। सेकंड देखते हैं फर्स्ट की बी में क्या है, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 गिव्स 3। किसी नंबर के 1/5 में अगर हम 4 माइनस करते हैं तो नंबर हमारी क्या हो जाती है 3। तो देखिए नंबर हमने माना है लेट द नंबर इज एक्स, इसमें भी मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है नंबर के 1/5 में, नंबर का 1/5 कर दिया x अपॉन 5 में 1/5 में माइनस करना है 4, माइनस कर दिया 4, कितना नंबर आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 4 को उधर भेजा तो क्या हो गया प्लस 4 हो गया, x अपॉन 5 बराबर 4 3 7, 5 × 7 क्या हो गया इधर डिवाइड में इधर गया इंटू में हो गया 5 7 35 हो गया हमारे x = 35। तो नंबर हमारी क्या आ जाएगी 35। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ए हम देखते हैं, 2 का ए कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। लोवेस्ट मार्क का कितना है ट्वाइस है। ठीक है, लोवेस्ट मार्क का हमारा क्या है ट्वाइस है, तो लोवेस्ट मार्क का ट्वाइस है और इसमें प्लस 7 कर दे रहे हैं। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, हाइएस्ट स्कोर हमारा कितना है 87, इसके लोवेस्ट मार्क में लोवेस्ट मार्क के ट्वाइस में हम 7 ऐड करते हैं तो हाइएस्ट मार्क आ जाता है। ठीक है, देखिए 2y + 7 = 87 हमारा बन जाएगा, 2y 7 को उधर ट्रांसफ़र किया तो 80 हो गया, माइनस कर दिया 2y 80/2 40 हो जाएगा हमारा आंसर। समझे, देखिएगा सेकंड वाली ध्यान से समझिएगा, इसमें कह रहा है इन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल हमारे क्या है इक्वल है, बी और सी हमारे क्या है इक्वल है, और क्या कह रहा है द वर्टिक्स एंगल इज 40, वर्टिक्स एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री। उसके बाद आगे तो कह रहा है व्हाट आर द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस क्या होगा ट्रायंगल का, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स आर ट्रायंगल इज 180। हमको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमने मान लिया बेस एंगल क्या है बी, हमने मान लिया तो बी और सी क्या है इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको पता है ए प्लस तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ए की जगह 40 वो हो गया, बी की जगह हमने बी लिख दिया, बी बेस एंगल हमने बी माना, सी बी और सी इक्वल है तो सी की जगह भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो 180 हो जाएगा 40 और बी भी कितना हो गया 2 भी हो गया, 2b = 40 को उधर भेजा 180 - 40 140 हो गया, माइनस हो गया
बी इधर आया डिवाइड में हो गया इन टू में था तो 70 एंगल, बेस एंगल हमारे कितने आ जाएंगे 70। अब आप इसको चेक कर सकते हैं 70 प्लस 70 ये 40 हमारा 180 होना चाहिए। देखिए 0 हो गया 4 7 11 11 7 18 180 डिग्री, इसलिए हमारा आंसर क्या है करेक्ट। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे। कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल पर मीट हैज। जितने मार्बल जो है हमारे जो है इरफान के पास हैं उससे जो है परमीत के पास कितने हैं मार्बल जो होगा हमारा 7 मार्बल्स मोर होगा 5 टाइम्स किसके परमीत के मार्बल से। परमीत के मार्बल हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज m, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत मार्बल, तो परमीत के मार्बल का 5 टाइम हो गया 5m, उससे कितना है 7 मोर है। इरफान सेज दैट ही है 7 मार्बल्स मोर 7 मार्बल, तो इसके 5 टाइम्स में 7 मार्बल मोर कर दिया और इरफान के पास हमारे कितने मार्बल हैं 37। अब हमको निकालना है परमीत का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया हमारा 5m + 7 = 37, तो 5m = 37 - 7 5m = 37 - 7 - किया तो हमारा 30 हो गया, तो m = 30/5 5 6 30 हो जाएगा हमारा 5 5 6 30 m = 6 6, तो मान तो परमीत के पास कितने मार्बल हो गए 6 मार्बल, परमीत है 6 मार्बल्स। अब आते हैं हम थर्ड के बी में। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है हमारा लक्ष्मीज़ फादर इज़ 40 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के पिताजी जो है 49 साल के 49 ईयर के हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, ये 4 ईयर जो ओल्डर है तो लक्ष्मी का एज हमने मान लिया एक्स, ये कितने 4 टाइम्स ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, तो लक्ष्मी के एज से 4 ज़्यादा है तो 3x + 4 हो जाएगा इसके फादर की एज, यक्स लक्ष्मी की है तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज से 4 ज़्यादा है 4 मोर है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 3x + 4 = कितना हो जाएगा 49। समझ में आया? तो 3x = 49 और यक्स 4 उधर माइनस किया 45 हो गया, यक्स इज़ इक्वल टू 3 इधर आ गया इनटू में कट किया तो ये हो गया हमारा x = 15 ईयर्स, तो लक्ष्मी की एज कितनी आ जाएगी हमारी 15 ईयर्स। समझ में आया? ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको सारे क्वेश्चन। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।